नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस के चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रिहल और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं उत्तराखंड का ज्वेलरी का एमसीक्यू का पार्ट वन। अब उत्तराखंड से पहले भी हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, हमने स्टेट साइन के क्वेश्चंस करे, जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते थे। और मैं आज आप लोगों को कराऊंगा कि उत्तराखंड में ज्वेलरी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप लोगों को सारी जानकारी मिलती रहे, ठीक। और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। और जो लोग वीडियो के नोट्स बना रहे होंगे वो वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी जिंक, ऑप्शन नंबर डी तांबा। आपको इनमें से बताना है कि बॉक्साइट से आखिर निकाला क्या जाता है, या फिर ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी ऐसे पूछ सकता है कि बता दीजिए कि बॉक्साइट इनमें से किसका अयस्क है, बॉक्साइट इनमें से किसका अयस्क है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कमेंट में ही मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। आप लोग कमेंट्स देते हैं, चाहे आपका आंसर क्वेश्चन सही हो या गलत, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि आप लोग कमेंट्स देते हैं तो हमें भी उत्साह मिलता है आप लोगों को बताने का, ठीक है। और इससे और ज़्यादा जानकारी भी बढ़ती है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दीजिए और बन जाइए आज के स्मार्ट व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वर्ड ऑफ द डे सीखने का बात हो गई है। वर्ड ऑफ द डे है आज का स्लैंडर, झूठी निंदा करना। जैसे कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा स्लैंडरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा झूठी निंदा कर देते हैं, ठीक है। मतलब बुराई करना, लेकिन जो बुराई हो बुरी, मतलब झूठी, मतलब बुराई तो होता है सीधा किसी ने कोई गलत काम किया हो और आप बुराई कर रहे हो, वो सच्ची बुराई हो गया। लेकिन किसी ने कुछ किया भी ना हो और आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो चीज़ हो गया झूठी निंदा करना, स्लैंडरिंग करना, ठीक। ऑप्शन इसमें सिनोनिम्स देख लीजिए, इसके सिनोनिम्स जो होते हैं वो होता है डिफेम, मतलब फेम मतलब होता है विख्यात, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेमस कोई इंसान, उसको गिराना उस विख्यात से, उसको बोलते हैं डिफेम, ठीक है। कॉमा करके और देखिए सिनोनिम्स के, लाइबल, विलिफाई, बैड माउथ, स्लर, सली, डेनिग्रेट, टैर्निश, ठीक। उसके बाद एंटोनिम्स देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट, ग्लोरीफाई, फ्लैटर, लॉर्ड, रिवरी और यूलाइज, ठीक। अब मैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। द सोसाइटी हैज़ सॉर्ट आउट एक्शन अगेंस्ट टू वुमेन फॉर स्लैंडरिंग आर्मी ऑफिसर, कि सोसाइटी ने सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए सख्त एक्शन लेने की कोशिश करी है उन दो औरतों के खिलाफ जिन्होंने एक आर्मी ऑफिसर की झूठी निंदा की थी। तुरंत एक्शन लेने के लिए उन्होंने एक्शन लेने की बात करी है, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हालांकि आप लोग के उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, रेलवे, ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, तो NTPC में भी इंग्लिश आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे में इंग्लिश का ज्ञान आप लोगों को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो अगर आप लोग इनके वर्ड्स ऑफ द डे रोज़ के वीडियो में अगर हम जैसे हम देते रहते हैं वर्ड्स, तो अगर आप रोज़ भी वीडियो लिखेंगे तो आप लोगों की काफ़ी वोकैब अच्छी हो जाएगी। तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप सिर्फ इस वीडियो के नोट्स सब उत्तराखंड वाले ही बनाइए, आप एक अलग सी कॉपी रख के वर्ड ऑफ द डे भी सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश जो वोकैब है वो भी आप लोग अच्छी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो के प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हमारा, और अब है हमारा जो टॉपिक, मेन टॉपिक स्टार्ट है, उत्तराखंड के राज्य प्रतीक संबंधी प्रश्न उत्तर और मैक्सिमम किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। मैक्सिमम क्वेश्चन इसके अंदर आ चुके हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कुछ मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बनने चाहिए, ठीक है, और बन सकते हैं। तो आप उनको भी लिख लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में अब जो हो रहा है पेपर्स में नए नए क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए हैं, तो इस हिसाब से उत्तराखंड के टॉपिक को लेकर मैं अलग से अलग क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। शीश फूल आभूषण है, ऑप्शन नंबर ए कानों का, ऑप्शन नंबर बी सर का, ऑप्शन नंबर सी हाथ का, ऑप्शन नंबर डी गले का। देखिए पुराने ज़माने में जो शीश होता था, शीश को बोलते थे सर, ठीक है, और सर का फूल, इसका मतलब शीश का फूल मतलब सर का फूल, ठीक है। तो ये आभूषण सर का ही होगा, नॉर्मली सी बात है, ठीक। तो इसका आप लोग कॉमन सेंस भी कर सकते हैं, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्खली कहाँ का आभूषण है? मूर्खली कहाँ का आभूषण है? ऑप्शन नंबर ए कानों का, ऑप्शन नंबर बी सर का, ऑप्शन नंबर सी गले का, ऑप्शन नंबर डी पैरों का। इसका जो आंसर है वो है कानों का। मूर्खली जो होता है वो कानों में पहना जाता है। तो इस क्वेश्चन को जरा टिक लगा लीजिए, क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 बार रिपीटेड हो चुका है उत्तराखंड के एग्जाम्स में, ग्रुप सी के एग्जाम्स में 3-4 बार ये रिपीट हो चुका है, तो इस पर जरा टिक लगा लीजिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
महिलाओं के सुहाग का प्रतीक क्या है? महिलाओं के सुहाग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर ए बाली, ऑप्शन नंबर बी धागुली, ऑप्शन नंबर सी मुद्रिका, ऑप्शन नंबर डी मांगटिका। देखिए महिलाओं के सुहाग का प्रतीक एक तो मेन होता है मंगलसूत्र, हिंदू धर्म की बात करें तो मंगलसूत्र इनका इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मंगलसूत्र आपको ऑप्शन में नहीं देगा और मैक्सिमम बच्चों को पता होता है कि मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक है, लेकिन ऑप्शन में वो उस चीज़ को देगा ही नहीं। लेकिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक एक और चीज़ होती है, आप लोगों को पता होगा जब किसी लड़की की शादी होती है, वो महिला बनती है, तो उस कंडीशन में उसकी मांग को भरा जाता है और मांग पे एक टीका सा लगाया जाता है जिसको सिंदूर से भरा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से वो एक मांग का टीका हो गया और मांग का जो टीका होता है वही महिलाओं के सुहाग का प्रतीक होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जिनका भी सिंदूर भरा होता है मांग में वही लेडीज़ मतलब शादीशुदा होती है, ठीक है। तो शादी के बाद ही उसको पहना जाता है, शादी से पहले उसको नहीं लगाया जाता। तो इससे को समझिए कि मांग टीका जो होता है, ठीक है, वो महिलाओं के सुहाग का प्रतीक भी है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मांग टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहाग बिंदी कहाँ का आभूषण है। फिर से आ गया है बिंदी, ठीक है। सुहाग बिंदी कहाँ का आभूषण है? ऑप्शन नंबर ए सर का, ऑप्शन नंबर बी पैरों का, ऑप्शन नंबर सी कान का, ऑप्शन नंबर डी गले का। अब सब लोग जानते हैं बिंदी तो माथे पे ही लगाई जाती है जो कि सर के अंदर आता है, हमारे पैरों और कानों और गले में तो बिंदी लगाई नहीं जाती, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सर का, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों की बताता हूँ, जिन बच्चों की थोड़ी सी हिंदी थोड़ी सी वीक है तो वो थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस नहीं लगा पाते, ठीक है। तो मैं वीडियो उनके हिसाब से बना रहा हूँ जिनको हिंदी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदी या बांदी किस शैली के चित्रों में दिखाई देती है। बंदी या बांदी किस शैली के चित्रों में दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर ए मौर्य शैली, ऑप्शन नंबर बी गुप्त शैली, ऑप्शन नंबर सी मुगलकालीन शैली, ऑप्शन नंबर डी गोरखा शैली। तो मैं आपको बता दूं कि बंदी या बांदी आप लोगों ने देखी भी होगी, ये असल में मुगलकालीन शैली में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर वैसे मुगलकालीन शैली। और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ये क्या होता है, माथे के ऊपर चैनों का एक सेट चलता रहता है, ठीक है। सर के ऊपर एक सेट चलता रहता है, उसके अंदर जैसे बाल हम पीछे की तरफ करते रहते हैं उसी तरीके से वो सेट चलता रहता है। मुगल काल में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था और जो महिलाएं होती थी उसे अपने सर के ऊपर रखती थी, ठीक, और लेयर बाय लेयर उसमें चैन का सेट चलता रहता था, ठीक है। अगर मेरे पास इसकी कोई फोटो होगी तो मैं आने वाले वीडियोस में उसको दिखाऊंगा, ताकि मुझे दिखा के आप लोगों को क्लियरली कंप्लीट हो जाए। अभी तो मेरे पास इसकी कोई फोटो नहीं है तो मैं इसमें बस आपको समझा ही सकता हूँ। चलिए आने वाले किसी वीडियो में अगर मैं ढंग से इसको समझाऊंगा, ठीक है, ज्वेलरीज को, तो मैं फोटोज़ लेके एक अलग से इसका वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि मेरे को सारी ज्वेलरीज मिल जाएंगी तब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपको सिर्फ इतना रखना है कि बांदी जो है ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मुगलकालीन शैली का एक है और हमारे उत्तराखंड में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाली कहाँ का आभूषण है? बाली कहाँ का आभूषण है? ऑप्शन नंबर ए नाक का, ऑप्शन नंबर बी कानों का, ऑप्शन नंबर सी हाथ का, ऑप्शन नंबर डी गले का। बाली एक कॉमन सा वर्ड है, मैक्सिमम लोगों को ये पता ही होता है, लेकिन इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्की या मुंदड़ा कहाँ का आभूषण है? मुर्की या मुंदड़ा कहाँ का आभूषण? ऑप्शन नंबर ए हाथ का, ऑप्शन बी गले का, ऑप्शन नंबर सी कानों का, ऑप्शन नंबर डी नाक का। इसका जो आंसर है वो है कानों का। मुर्की या मुंदड़ा भी कानों में ही पहनते हैं, बाली कानों में, मुर्की मुंदड़ा कानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरा कहाँ का आभूषण है? ऑप्शन नंबर ए गले का, ऑप्शन बी कानों का, ऑप्शन नंबर सी नाक का, ऑप्शन नंबर डी पैरों का। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडल कहाँ का आभूषण है? कुंडल, मैं अभी आप लोगों को कुछ कहानी बताऊंगा थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक सेट किया है, लेकिन आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों, उस कहानी का मकसद क्या है बताने का। तो कुंडल कहाँ का ऑप्शन है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए हाथ का, ऑप्शन बी गले का, ऑप्शन नंबर सी कानों का, ऑप्शन नंबर डी नाक का। तो देखिए ऐसा है कि कुंडल, जिनको इसके बारे में पता है कुंडल किसे कहते हैं वो तो इसका आंसर फटाफट से टिक लगा लेंगे, जिसको नहीं पता उनके लिए मैं उनको थोड़ी सी स्टोरी याद दिला देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा महाभारत के बारे में। अब मैं महाभारत के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है कि उत्तराखंड में महाभारत की बहुत बड़ी मान्यता है। जैसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ताल है वो है भीमताल, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ताल है वो भीमताल, और आप जानते हैं वो भीम क्यों रखा गया उसका नाम, क्योंकि महाभारत में जो भीम जी थे वो बहुत सबसे बड़े थे, इस वजह से उनका नाम भीम रखा गया था, और भीम के नाम पर ही उस ताल का नाम भीमताल रखा गया। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल भीमताल है, ठीक। तो उसी तरीके समझे कि महाभारत के जो महाभारत और रामायण, ठीक है, और हम बोलते भी हैं कि देवों की भूमि है ये उत्तराखंड भूमि, देव भूमि, ठीक है, तो यहाँ पे देवताओं का बहुत ज़्यादा वास रहा है ऐसा कहा जाता है, और ये प्राचीन परंपराओं पर बहुत ज़्यादा आधारित है। तो मैं कुंडल का नाम क्यों ले रहा हूँ, देखिए महाभारत में एक बहुत ही महावीर योद्धा थे जो कि विपक्ष की तरफ से लड़े थे, मतलब जैसे पांडवों को कुछ अपने पक्ष से मानते हैं लेकिन वो विपक्ष की तरफ से लड़े थे, और इनडायरेक्टली मान के चलिए कि जो भी प्रॉपर्टी की वजह से जो भी युद्ध हुआ है, प्रॉपर्टी की वजह से जो भी युद्ध हुआ है वो युद्ध जो था उसका जो मेन मतलब मेन जो प्रॉपर्टी वाला था, ठीक है, मेन प्रॉपर्टी किसके नाम की थी, तो मेन प्रॉपर्टी पे जो सारा हक था, ठीक है, वो उसी महावीर योद्धा का था।
ठीक। और कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ जी जो युद्ध हुआ था वो द्रौपदी की वजह से हुआ था, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, द्रौपदी की वजह से युद्ध हुआ था, स्टार्टिंग हो गई थी, मनमुटाव आ गया था, लेकिन जब वहाँ से वनवास से वो लोग आ गए थे तो उन्होंने अपना हक मांगा था कि हमें अपनी प्रॉपर्टी से मुकुछ हिस्सा दे दो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ पर दुर्योधन ने बोल दिया था कि नहीं, प्रॉपर्टी से मतलब कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तब यहाँ पर युद्ध होने का कारण मेन बन चुका था। ठीक है, क्योंकि उन्हें उनका हक नहीं दिया गया था, इस वजह से उनका युद्ध का कारण बन चुका था। तो युद्ध का कारण स्टार्ट हो गया था और दुर्योधन के साथ जो लड़े थे वो महावीर योद्धा थे, महावीर कर्ण। ठीक है, इनके पास एक दिव्य शक्ति थी, ये सूर्य के पुत्र थे। ठीक है, और इनको एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कुंती का जो रिलेशन था वो सूर्यदेव से वो हुए थे, लेकिन शादी से पहले हो गए थे। ठीक है, इस वजह से मेन जो बड़े सबसे बड़े थे अपना सबसे जो मेन बड़े थे वो कर्ण ही थे। ठीक है, तो मेन प्रॉपर्टी पे अधिकार जो था वो उन्हीं का था, लेकिन उनको इस बारे में मालूम था, लेकिन वो कभी भी उस चीज़ के लिए नहीं लड़े। ठीक है, उनकी मृत्यु का कारण ऐसा बना था, इस चक्कर से वो उनकी मृत्यु ऐसी हो गई। तो उनको जो सूर्य ने गिफ्टेड दिया था, गिफ्टेड था उनके पास एक कवच था और एक कुंडल था। ठीक है, उनके पास एक कवच और एक कुंडल हुआ करता था उस समय, और वो कवच जो था वो भी एज अ बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग जानते ही हैं कि जिन्होंने महाभारत के बारे में पढ़ा है कि इंद्रदेव ने उनसे वो ले लिया था। ठीक है, और कवच जो था वो उनके शरीर की रक्षा के लिए हुआ करता था, जब भी सूरज होता था तो उनके ऊपर जीतना बिल्कुल नामुमकिन था, बिना कवच और कुंडल के ऊपर कोई जीत नहीं पाता था उनसे। ठीक है, और कुंडल जो थे वो उनके गले कानों में पहना हुआ होता था, कुंडल जो थे उनके कानों में होते थे और कवच उनके सीने पर हुआ करता था। तो जब भी सूरज की किरण उसके ऊपर पड़ती थी तब तक वो एक उनके ऊपर विजय पाना बिल्कुल नामुमकिन हुआ करता, जब तक उस कवच के ऊपर और कुंडल के ऊपर सूरज की किरण पड़ेगी तब तक उनके ऊपर जीतना बिल्कुल नामुमकिन हुआ करता था। तभी पहले कुंती माता गई कि नहीं, पहले हमारे इंद्रदेव गए। ठीक है, भिक्षुक मांग के उन्होंने अपना उनसे कवच और कुंडल मांग लिया, वो जानते थे कि ये इंद्रदेव ही हैं, तभी भी उन्होंने दे दिया। लेकिन फिर उसके बाद कुंती गई तो कुंती ने भी उनसे वही चीज़ मांगी, कवच और कुंडल, क्योंकि वो जानते थे कि पांडव उनसे नहीं जीत सकते, किसी भी कंडीशन में पांडव उनसे नहीं जीत सकते। तब वो भी चाहते थे कि हमारे पांडव जीत जाएँ, लेकिन फिर भी मतलब उन्होंने माता का राज रखा, उन्होंने बोल दिया है कि कवच और कुंडल तो उनके पास है ही नहीं, और उन्होंने बोला कि जब तुम आए हो तो मैं आपको ये वादा कर देता हूँ कि आपके 6 पुत्र, आपके पहले भी 5 पुत्र थे और अब भी 5 ही पुत्र रहेंगे। इसका मतलब ये था कि पांच पांच तो पांडव थे और एक छठे वो थे, लेकिन एक पुत्र की मृत्यु होने निश्चित थी, या तो अर्जुन की या तो फिर कर्ण की, लेकिन कर्ण वहाँ पे हार गए थे। ठीक है, तो मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को पूरी महाभारत सुनाई जाए, मेरा मकसद यह है कि आप समझिए कि कुंडल जो है वो कानों का एक आभूषण है, और आप याद रखेंगे अगर आप लोगों को याद होगा क से कर्ण, क से कुंडल, क से कवच, ठीक है, और क से कान, तो आप लोग याद रखिए। ये कहानी मेरा बताने का प्रतीक यह था कि मेरा मकसद ये था कि ताकि आप लोग समझे कि उत्तराखंड जो है महाभारत से भी रिलेटेड है। ठीक है, और कुंडल कानों में पहने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागुली कहाँ का आभूषण है? धागुली कहाँ का आभूषण है? ऑप्शन नंबर ए हाथ का, ऑप्शन नंबर बी गले का, ऑप्शन नंबर सी कानों का, ऑप्शन नंबर डी नाक का। देखिए, ये वर्ड आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, मैं कह रहा था कि वर्ड जो है आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि आप सुन रहे होंगे धागुली कहाँ का आभूषण है। तो देखिए, जो धागुली है वो धागुली से याद रखिए, जो भाई बहनों का एक प्रतीक त्यौहार माना जाता है, कौन सा? रक्षाबंधन। भाई बहनों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन में राखी बांधी जाती है, और राखी जो होती है वो एक तरीके का धागा ही होता है। मेनली जो राखी है असल में वो एक धागा ही है। ठीक है, और धागे से आप याद रखेंगे धागुली, तो धागा कहाँ बांधा जाता है? राखी कहाँ बांधी जाती है? हाथ पे। तो उससे आप याद रखेंगे कि धागुली जो बांधा जाता है वो बांधा जाता है हाथ पे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्णफूल कहाँ का आभूषण है? कर्णफूल कहाँ का आभूषण है? ऑप्शन देखिए, गले का, ऑप्शन बी कान का, ऑप्शन नंबर सी नाक का, ऑप्शन नंबर डी पैरों का। जिनका संस्कृत का ज्ञान है और जो हिंदी ढंग से पढ़ रहे हैं वो इस क्वेश्चन को बिना पढ़े ही टिक लगा के चले जाएंगे, और जिन लोगों का भी हिंदी पढ़ना शुरू ही गया है, ठीक है, और जिन्होंने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ी है उसके मैं आने वाले टाइम पर लेक्चर्स लेके आऊँगा। लेकिन आप समझिए कि इस बात को कि वो उनका हिंदी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और उत्तराखंड में हिंदी पढ़ना तो इंपॉर्टेंट ही है। आप कोई सब एग्ज़ाम दे उत्तराखंड में तो उत्तराखंड में हिंदी पूछा जाता है, तो इसलिए आप जानते हैं कि कर्ण को हिंदी में कान बोलते हैं, और कान का फूल इसका मतलब, कान का फूल हो गया कर्ण फूल। ठीक है, तो कान का फूल इसका मतलब कानों में पहना जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहुंची कहाँ का आभूषण है? पहुंची कहाँ का आभूषण, ऑप्शन नंबर 1 कान का, ऑप्शन 2 गले का, ऑप्शन नंबर 3 पैरों का, ऑप्शन नंबर डी हाथों का। तो देखिए ये थोड़ा सा जीपो करीब वर्ड है, आप पहली बार सुनेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि कहाँ का क्वेश्चन आ गया, जिन लोगों का आभूषण नहीं पढ़े हैं। और वैसे भी इतने सारे आभूषण हो जाते हैं, इतनी सारी ज्वेलरीज हो जाती है, बच्चा कब तक याद रखेगा, उसको दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप लोग तरीके से याद कीजिए, ठीक है, थोड़ी सी स्टोरीज जोड़िए जिससे आप लोगों का उत्तराखंड भी सिस्टम कम्प्लीट हो और वो भी कम्प्लीट हो जाए। तो आप समझिए पहुँची, देखिए आप जब भी कभी हाथ गीले होते हैं तो आप तौलिए से हाथ पहुँचते हैं, आप तौलिए से हाथ पहुँचते हैं, इतना याद रखिए, तौलिए से हाथ पहुँचते हैं। तो हाथों को पहुँचना, हाथ पहुँचना, हाथ पहुँचना, इसका मतलब हाथों का आभूषण कौन सा हो गया? पहुँची। ज़्यादातर हाथ ही पहुँचे जाते हैं, तो हाथों का आभूषण कौन सा हो गया? पहुँची। इसका आप एक तरीके से याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? डी। इसका आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तुगियल कहाँ का आभूषण है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 10 बार आ चुका है पेपर में, ये 10 बार पेपर में आ चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए इसके, कान का, ऑप्शन बी गले का, ऑप्शन नंबर सी पैरों का, ऑप्शन नंबर डी हाथों का, ठीक है। तो ये एक अजीब सा वर्ड है जिसकी वजह से आप पहली बार से देखेंगे तो आपको किसी से रिलेट नहीं कर पाएंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको बताया, मैंने आपको कहीं ना कहीं से उसका रिलेशन बताया, ठीक है। आप रिलेट करके कॉमन सेंस लगा के अगर आपको याद भी याद करो तो आप रिलेट करके उन क्वेश्चनों को कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको रिलेट करने का कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वर्ड ही ऐसा है तुगियल, तो इसको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है कान का, तुगियल एक कान का आभूषण है, इसको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वाक कहाँ का आभूषण है? ऑप्शन नंबर 1 नाक का, ऑप्शन बी कान का, ऑप्शन नंबर 3 हाथ का, ऑप्शन नंबर डी गले का। इसका जो आंसर है वो है हाथ का, द्वाक जो होता है हाथों में पहना जाता है, ठीक है। तो द्वाक के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि असल में क्या होता है, ये एक योद्धा जो होता है, ठीक है, योद्धा लड़ने के टाइम पे यूज़ करते हैं, तो वो अपनी कलाई पे कुछ बांधते हैं, तो द्वाक उसी चीज़ को कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल उसी की तरह नहीं है जिस तरीके से वो होता है, अब तो खड़ा मॉडर्न टाइप के हो गया, लेकिन जो पहले के जो हमारे वीर योद्धा लड़ा करते थे तो आपने देखा होगा उनकी कलाई पे कुछ होता है, जैसे मान लो उनके हाथ से तलवार गिर गई, ठीक है, तो दूसरा बंदा तलवार से अटैक करता तो अपनी कलाई लगा लेते थे आगे, और कलाई जो होता था लोहे का कुछ बना होता था, तो ये समझ लीजिए वही है ये द्वाक, ये द्वाक जो है ये वही है, और ये है एक हाथ का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रिका कहाँ का आभूषण है? मुद्रिका कहाँ का आभूषण है, इसको मैं रिलेट करवा के दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आप इसे रिलेट करेंगे और आपने इस वर्ड को सुना भी है, और जिन लोगों ने नहीं, जिनको पता है उनके बड़े अच्छी बात है, मैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ जिन्होंने सुना भी है लेकिन वो उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं रिलेट करने की कोशिश करूँगा इसको। ऑप्शन नंबर 1 कान का, ऑप्शन बी गले का, ऑप्शन नंबर सी पैरों का, ऑप्शन नंबर डी हाथों का। देखिए इसका आंसर जो है हाथों का। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि रामायण की, आप लोग थोड़ा सा रामायण की तरफ चलिए, जब रावण जी, ठीक है, सीता जी को उठा के ले गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ था कि एक रीच थे, ठीक है, आप मुझे बताना उस रीच का नाम क्या है कमेंट में अगर आपको पता हो तो, ठीक है। एक रीच ने थे और उन्होंने हनुमान की शक्ति को जगाया। असल में क्या था कि हनुमान ने बचपन में सूर्य को खा लिया था, ऐसा माना जाता है, कहानी है सारी की सारी, ठीक है, और सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा आपको, मैं कहानी से इसको रिलेट करके बताऊंगा, क्योंकि जितने भी ज्वेलरीज हैं वो हमारे परंपराओं से लेके गए हैं, तो परंपरागत कहानियाँ भी आपको सुनना बनता है, ठीक है, थोड़ा बहुत सुनिए, और ये कहानी आप लोगों ने कई बार लाखों बार सुनी होगी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था रामायण की। रामायण में आप एक बात सुनिए कि तो हनुमान जी ने बचपन में सूर्य वगैरह खा लिया था, तो उसकी वजह से उनकी जो पावर्स थी, ठीक है, उनको एक कॉम्पैक्ट कर दिया गया, और ये बात कही गई कि कल के टाइम पे ये अपनी पावर्स का यूज़ कर पाएगा, लेकिन तब यूज़ इसकी बढ़ पाएगा जब ज़रूरत होगी, वक्त आने पे ये पावर्स अपना काम करेगी, नहीं तो ये बहुत ही उद्दंडी बच्चा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा उद्दंड लेके आता है, ठीक है, बहुत ही नॉटी है, इस वजह से इसकी पावर को क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया गया था, क्योंकि इसको अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हनुमान को लगता था कि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन जब रावण जी लेके चले गए थे सीता जी को, सीता माता को लेके चले गए थे, तो राम ने सोचा कि इतने बड़ी नदी को, समुद्र को हम पार आखिर करेंगे कैसे, ठीक है, पुल बनाने की बात तो बहुत बाद में, लेकिन पहले पता तो कर ले लंका में है भी सीता माता कि नहीं, और किसी ने बोला कि वहाँ पे रावण रहता है, तो इस वजह से वहाँ पे जाके चेकआउट करने के लिए उसको लेके जाए, तो वहाँ पे एक रीच आया जिसका मैंने आपसे नाम पूछा, मुझे बताना वो रीच कौन था जिसने जगाया है, उन्होंने जगाया, उन्होंने बोला, उनको बहुत उत्तेजित कर दिया, ठीक है, और पावर बढ़ा दी उनकी, और उन्होंने बोला कि हाँ भाई तुम तो बहुत शक्तिशाली थे, ये वो सो, ठीक है, तुम अपनी शक्तियाँ भूल गए हो, अब तुम अपनी शक्तियाँ याद करनी पड़ेंगी। वो शक्तियाँ हनुमान जी को याद आई और हनुमान जी ने छलांग लगाई, बीच में 2-3 राक्षसी मिली उन्हें, वहाँ पे उनसे लड़ लुड़ के माता मूता बोल बाल के वो आगे सीधा लंका में जंप मारी। लंका में जंप मारने के बाद वो गिरे अशोक वाटिका में आके, और अशोक वाटिका में सीधा उन्होंने देखा सीता जी को, और सीता जी को देखा और साथ में देखा कि वहाँ पर रावण जी भी थे, ठीक है, रावण क्या कह रहे थे अपना, रावण ने मतलब बहुत अलग अलग तरीके से उन्हें मंत्रमुग्ध किया हुआ था, मतलब यह है कि वो कोशिश कर रहे थे
कि वो राम जी को मार देंगे, राम जी के सर लेके आए हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा हनुमान जी ने कि ये तो विश्वास नहीं कर पाएंगे मेरा ऐसा। वो तो अच्छा हुआ कि हनुमान जी के पास एक अंगूठी थी जो कि राम की दी हुई थी, ठीक है, राम जी की दी हुई थी। तो राम जी की अंगूठी उन्होंने सीता माता को दिखाया, उन्होंने बोला भाई तुम कहीं रावण के दूत तो नहीं हो, ये वो सो। तो जैसे उन्होंने अंगूठी दिखाई तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये जो अंगूठी है ये मेरे प्रभु श्री राम की है। और उसके बाद उन्हें विश्वास हो गया। वो जो अंगूठी दिखाई थी तब सीता माता का डायलॉग था, थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो अंगूठी दिखाई थी, ठीक है, तो वो सीता माता की थी, ठीक है। वो जो अंगूठी थी वो सीता माता की, वो सॉरी, वो प्रभु श्री राम की अंगूठी थी, ठीक है। प्रभु श्री राम की अंगूठी देख के उन्होंने विश्वास कर लिया कि हाँ जी ये मेरे प्रभु श्री राम के ही दूत हैं। उसके बाद अशोक वाटिका में उन्होंने बहुत तबाही मचाई, ठीक है। जाते 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 उन्होंने जाके में भी आग लगा दी। तो मेरा मतलब ये है कि उन्होंने सीता माता का उस समय ये डायलॉग था, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने रामायण देखी होगी, मैं रामानंद सागर की बात कर रहा हूँ, जो रामानंद सागर वाले ने बनाई थी, जो लेटेस्ट बन रही है वो भी उसी वर्ड्स का यूज़ करते हैं, लेकिन रामानंद सागर वाले में उन्होंने सीता माता ने ये डायलॉग था कि ये मुद्रिका तो मेरे प्रभु श्री राम की है। इसका मतलब मुद्रिका और अंगूठी, मुद्रिका को ही अंगूठी बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। अगर आप लोगों को सीधा अंगूठी पूछेगा ना कि अंगूठी कहाँ का पूछना है, आप सीधा लगा देंगे वहाँ पे, क्योंकि आप लोगों का नॉर्मल वर्ड है वो, ठीक है। लेकिन वो आप लोगों से टिपिकल वर्ड में ही पूछेगा। तो इसका आंसर याद रखिए कि मुद्रिका हाथों का भूषण है। इस क्वेश्चन को समझाने में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा मकसद था कि आप इसे रिलेट कीजिए थोड़ी सी अपनी पुरानी परंपरागत कहानियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चवन्नी माला कहाँ का भूषण है? चवन्नी माला कहाँ का भूषण है? देखिए माला आ गया है, समझ लीजिए किसका होगा। माला कहाँ पहनते हैं हर किसी को पता है। ऑप्शन नंबर एक कान का, ऑप्शन नंबर कान का गले का, ऑप्शन नंबर सी पैरों का, ऑप्शन नंबर डी हाथों का। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर एक गले का है। और चवन्नी माला में कुछ नहीं होता, जैसे छोटी सी चवन्नी होती है, जैसे 25 पैसे हम बोलते हैं। तो कुछ बच्चे आप लोगों ने देखे भी होंगे ऐसे अपने आसपास, वो क्या करते हैं कि सिक्का डाल के रखते हैं गले में, काले धागे में गले में डाल के रखते हैं। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि हमारा परंपरागत है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि भूत चुड़ैल वगैरह से आप लोग को बचा के रखता है। तो सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, सबकी अलग अलग परंपरागत उनका वो है, ठीक है। तो इस वजह से उस ये भी हमारे उत्तराखंड का एक मेन आभूषण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। झुपझुपी कहाँ का भूषण है? झुपझुपी कहाँ का भूषण है? ऑप्शन नंबर ए नाक का, ऑप्शन बी कान का, ऑप्शन नंबर सी हाथ का, ऑप्शन नंबर डी गले का। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ई कानों का। तो याद रखेंगे आप लोग, झुपझुपी कानों का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबंद कहाँ का आभूषण है? गुलबंद कहाँ का आभूषण? ऑप्शन नंबर ए कान का, ऑप्शन बी सर का, ऑप्शन नंबर सी गले का, ऑप्शन नंबर डी पैरों का। इसका जो आंसर है वो है गले का। गुलबंद जो होता है एक गले का आभूषण है, आप इससे याद रख सकते हैं। थोड़ा सा रिलेट करके बताता, गुल से गला, गला गुलबंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस हमारे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है इसके अंदर वीडियो के अंदर कोई कमी है या फिर किसी चीज़ को आप सुधार चाहते हैं तो आप लोग उस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। प्लस कमेंट में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है वीडियो में, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करना मत भूलिए। अगर आप लोग कर रहे हैं उत्तराखंड की तैयारी या फिर आप लोग सिर्फ जानने की इच्छुक है उत्तराखंड में जनरल नॉलेज के बारे में, ठीक है। और भी हमने अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हुए हैं, हमने हर चीज़ को प्लेलिस्ट के हिसाब से सेट किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर उसे सेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा चैनल लगता है कि किसी काम का है आप लोगों के लिए, तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, उससे आप लोगों की हमारे पर बहुत ज़्यादा कृपा होगी। और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं उत्तराखंड एसएससी बैंक रेलवे के, ठीक है। जिसकी टाइमिंग के बारे में और या फिर फीस वगैरह किसी भी चीज़ के रिलेटेड के बारे में या फिर प्रैक्टिस बैच से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आप लोग हमारे व्हाट्सएप के नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग वो सिर्फ व्हाट्सएप का नंबर है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप में अपनी इंक्वायरी करें, ठीक है। आपको कोई भी अगर दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप लोग फॉर्म भर रहे हैं व फॉर्म से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास वो जानकारी नहीं भी है उस समय, तो हम आपके बारे में उसके लिए
ढूंढेंगे, खोजेंगे और आप लोगों को बिल्कुल सही जानकारी आपको देंगे। इसलिए हम आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, कोई कॉन्टैक्ट में अगर आप कॉल करें और आप हमसे तुरंत पूछें कि भैया ये बता दो ये बता दो, और हमें एकदम से हम या फिर बैचेस चल रहे हुए तो हम आपका फ़ोन नहीं उठा पाए, तो आप लोग हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज छोड़ दें, हम उसके बारे में रिसर्च करके आप लोगों को व्हाट्सएप पर ही वापस बैक कॉल कर देंगे। अगर मान लीजिए सपोज़ एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा आप लोग बैचेस के बारे में पूछ सकते हैं, तीसरा अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन अटक गया है, आप लोग यहाँ से दूर रहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों के वो क्वेश्चन सॉल्व करें, या फिर कोई भी क्वेश्चन के बारे में आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, कैसे हुआ क्यों हुआ कि ये क्वेश्चन ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम आप लोगों के लिए डिमांडिंग वीडियोस भी बना देंगे। उसके लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो मतलब हम आप लोगों की पूरी तरह से कोशिश करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और जैसी हो सके जितना टाइम लग सके हम आप लोगों के लिए तुरंत मदद करने के लिए आप लोग तैयार हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए और रियल क्लासेस को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, देखने के लिए धन्यवाद।